कार को बढ़ावा मिलेगा, न केवल पर्यावरण संरक्षण की मुहिम तेज होगी बल्कि एक इस इलाके का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आकर्षण आज जुड़ने जा रहा है जंगल सफारी के रूप में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, प्रतीक्षा, राज्यपाल महोदय गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत, राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी उनके स्वागत के लिए उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभिवादन करते हुए लोकार्पण पट्टिका की ओर कुछ ही क्षणों के उपरांत, और अब वो घड़ी आ पहुंची है जब अनावरण किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जंगल सफारी का, राष्ट्र को समर्पण, एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, एक महत्वपूर्ण अवसर। So the Prime Minister has now inaugurated the Jungle Safari, which is part of the Statue of Unity complex and part of the theme park here. And one of the important aspects of this Jungle Safari is that this land would have otherwise been wasteland. And it was, in fact, one of the dumping yards of the steel and other metals that were being used in the building of the Narmada Dam. And it has been transformed, and now it's been made a place which is habitable, a place of habitation for 186 species of fauna and several birds as well from different parts of the world. And quite an experience then for anybody who wants to go in there, because you see these in their natural habitats, and the Jungle Safari has also tried to preserve those habitats and the temperatures so that these animals are comfortable in that environment. प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान यानी जंगल सफारी राष्ट्र को समर्पित किया, और अब वो जंगल सफारी की सैर पर निकले हैं। विंध्य की पहाड़ियों पर ये जंगल सफारी अपने आप में कई रोचकता को समेटे हुए है। कुल मिलाकर अगर इसकी बात करें तो इसमें 29 बाड़ा हैं जिनमें पशु पक्षी हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से भी यहाँ पशु पक्षियों को लाया गया है। और हमेशा से ही प्रधानमंत्री की सोच रही है पर्यावरण के संरक्षण की, और पशु पक्षी जो हैं वो हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं। ऐसे में इस तरह की पहल से जहां एक तरफ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो वहीं दूसरी ओर लोगों में जन जागरूकता भी बढ़ेगी, पशुओं के प्रति हमारा व्यवहार भी बदलना चाहिए, और कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के इस दौर में पशुओं से जो है उनका प्राकृतिक आवास, पर्यावास छीनता जा रहा है। ऐसे में उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और इसके अलग अलग सेक्शंस हैं इस जंगल सफारी के। ये मृगेंद्र वास है और जहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और हमने पहले चरण में भी देखा था कि चाहे वो न्यूट्रिशन पार्क हो, आरोग्य वन हो या फिर एकता मॉल हो, जहाँ भी वो गए उन्होंने हर छोटी बड़ी जानकारी लेने की कोशिश की। और इस जंगल सफारी में इस समय माननीय प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ। जंगल सफारी जिसका इलाका 375 एकड़ है, इस पहाड़ी इलाके में इसको निर्माण किया गया है, जिसके 7 लेवल हैं, 7 स्तर हैं, जो 29 मीटर से लेकर 180 मीटर तक की ऊंचाई तक हैं। यहाँ कई प्रजातियों के जीव जंतु और पक्षी हैं, यहाँ शेर भी है, बाघ भी है, तेंदुआ भी है, और भी कई जीव जंतु और पक्षी, और केवड़िया में ये जंगल सफारी जिसका लोकार्पण अब से कुछ ही देर पहले माननीय प्रधानमंत्री ने किया। सौ से अधिक जीवों की यहाँ प्रजातियाँ और 1100 से अधिक पक्षी और जानवर।
काफ़ी बड़ा इलाका जहां लगभग 5 लाख पेड़ पौधे हैं। यहां बाड़े और अहाते जानवरों के मुताबिक, और ये अपने किस्म का पूरे देश में बिल्कुल ही अलग जूलॉजिकल पार्क है। कई ऐसे जीव जंतु जो देश के और चिड़ियाघरों में नहीं हैं, वो यहाँ इस जंगल सफारी में मौजूद हैं। So the unique feature of the jungle safari is that the area is open in a sense, and there that is why you get the feeling of a safari. Even though it is a zoological park, there is the impression that there it is a safari. You can see that the animals are in a sort of a natural habitat, and they are not exactly, you know, in cages, so they are quite comfortable. They seem to be happy. And we can see this leopard with her 2 cubs. तेंदुआ बड़ा ही रहस्यमयी और चालाक जानवर माना जाता है, और कस्बों गांवों के निकट ये अपना शिकार ढूंढता रहता है। और अक्सर ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जब तेंदुआ आबादी में भी आ जाता है। इस जंगल सफारी की एक और जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जो भी यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर हम इस एनक्लोजर की बात कर रहे हैं, मृगेंद्रवास बोर्ड ऑफ कॉर्निवर्स जिसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर मांसाहारी जो पशु हैं वो रखे गए हैं। और जो ग्लास का एक जो आवरण है वो बनाया गया है दर्शकों के बीच में और जो निवासी हैं पशु पक्षी उनके बीच में, वो नज़दीकी का एहसास देता है। यूँ तो हमारे देश में और भी बहुत से जंगल सफारी हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ या कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, लेकिन ये अपने आप में अनोखा नायाब किस्म का नेशनल पार्क है। और चूंकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर घूमने के लिए, विचरण करने के लिए गोल्फ कार्ट्स उपलब्ध कराई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं, कुछ ही समय पहले उन्होंने लोकार्पण किया इस जंगल सफारी का। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विभिन्न जीवों की 170 से ज़्यादा प्रजातियों का यहाँ निवास है। और यहाँ एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। पशु पक्षी भले ही हों लेकिन पौधों की संख्या में कोई कमी नहीं है। लगभग 5 लाख के आसपास पौधे इस पूरे जंगल सफारी में लगाए गए हैं। 7 लेवल्स में इसे बांटा गया है। 29 से 180 मीटर की ऊंचाई तक ये लेवल स्थापित हैं। और जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो काफ़ी नज़दीकी से अवलोकन कर सकते हैं जो पशु पक्षी हैं। और ऐसा आप स्वयं देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पशु पक्षी हैं, शेर हों या फिर चीता हो, तेंदुआ हो, ये सभी अपने नेचुरल हैबिटेट में विचरण करते हैं, निवास करते हैं, और उनकी अनुकूल उनके जो सुख सुविधाएं हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री के काफ़ी समीप विचरण करते हुए इस जंगल सफारी के निवासी, The tiger has a special place in our culture, myth and folklore. The tiger is one of the animals displayed on the Pashupati seal of the Indus Valley civilization. And one is of course reminded of William Blake's iconic lines, Tiger, tiger burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं और इस पर वर्षों से काम हो रहा है। और पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है, और इस तरह के प्रयास हैं
कि उन्हें अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जाए ताकि वो खुलकर जी सकें। और इस जंगल सफारी में अलग अलग जगहों पर प्रतिकृतियों के माध्यम से भी जानवरों को पेश किया गया है और आने वालों जो यहाँ पर पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उन्हें रोमांच का एहसास कराने के लिए यहाँ बहुत कुछ इंतजाम किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री इस समय उस सेक्शन में हैं जहाँ अभी उन्होंने बाघ को बहुत नज़दीक से देखा और अब दूसरी तरफ जाते हुए एक ऐसा माहौल इस सरदार पटेल प्राणी उद्यान को बनाने में ध्यान में रखा गया है जिससे कि आपको एहसास हो कि आप एक प्राणी उद्यान के साथ साथ जंगल सफारी का भी आनंद ले रहे हैं। One of the key features of unity with nature would be to respect the animal kingdom. And we are aware, of course, that as development takes place and as cities grow and human populations increase, there is this man-animal conflict, habitat loss, biodiversity loss. So this would be a very deep theme that is visible in unity with nature here, especially in the jungle safari, where we can see the respect for the animal kingdom and the very vital role they play in protecting whatever we have on the earth, the biodiversity that is so essential for life in all forms, especially human life. The jungle safari has been divided into different sectors. The sector that we first saw was the abode of the carnivores. There are separate sectors for the ruminants and for animals and birds that have been imported here from various zoos from across the world. There's a beautiful apiary here, which is the largest geodesic dome in the world, where the visitor can go right into the apiary and see the birds up close and personal. And some of the birds are so friendly, they just come and perch on your shoulder. The tiger, in all its pride, walking freely here and yet deigning to give us a glimpse of his life up close. बाघ की ये शाही चाल जिसको यहाँ आने वाले दर्शक अब बहुत नजदीक से और बहुत स्पष्ट तौर पर देख सकेंगे। अमूमन जो और जगह बाड़े बनाए जाते हैं, अहाते बनाए जाते हैं, वहां से इतना स्पष्ट नहीं दिखता। और ये तेंदुआ इस जंगल सफारी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि अगर नजर डालें तो यहाँ नदी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, जीव जंतु हैं और पक्षी भी। जंगल सफारी का जो भ्रमण है वो गोल्फ कार्ट के सहारे ही किया जा सकता है क्योंकि काफी बड़ा इलाका है और आप देखें कि गोल्फ कार्ट्स को भी बड़े आकर्षक रंगों से सजाया गया है और बहुत से जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके शरीर का जो रंग है लगभग वही रंग देने की कोशिश की गई है, यानी उनके रंग में समाहित हो जाने की कोशिश। और कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया इस जंगल सफारी का और अब वे भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग भागों का। बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर जो पशु पक्षी रखे गए हैं, खासतौर पर जो मांसाहारी पशु हैं, उनके भोजन का निर्धारित समय होता है, उनके रहने के लिए अलग से एनक्लोजर्स बनाए गए हैं और कुछ तो एयर कंडीशनड एनक्लोजर्स हैं क्योंकि उनके रहने की जो
जो जलवायु है जहाँ से वो आते हैं वो ठंडी जलवायु है और इसलिए उसका खास ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है। साथ ही जो आसपास की दीवारें हैं उनको भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जिन पर पशु और पक्षियों को उकेरा गया है, आकर्षक रंग देने का प्रयास हुआ है और कुल मिलाकर एक बहुत ही मनोहारी प्रस्तुति कही जा सकती है इस जंगल सफारी की, जहां पर आकर के हर खासो आम अपने आप को न केवल खुश प्रसन्न महसूस करेगा, पर्यावरण के नज़दीक महसूस करेगा। और अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं तो 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था, उसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में पारित किया गया। बहुत से ऐसे प्रयास हैं जिनके द्वारा ये कोशिश हो रही है कि विकास और उसके साथ साथ जो पर्यावरण को संरक्षित करने की मुहिम है दोनों में सामंजस्य स्थापित हो और इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स हैं जंगल सफारी जैसे वो इस अवधारणा को न केवल मजबूत करते हैं बल्कि एक सही रास्ते की ओर अग्रसर होते प्रतीत होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अवलोकन करते हुए जंगल सफारी का, इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव गोल्फ कार्ट्स हियर इज टू रिस्पेक्ट द एनिमल्स। वन, देयर इज नो पेट्रोल और डीजल एमिशन, सो द एनवायरनमेंट रिमेन्स क्लीन and golf carts are noiseless, so the animals don't get disturbed in their daily routine, whatever they want to do when they're resting and all, because that's different from our timing. So all those things have also been kept in mind. Of course, it's a matter of luck. You may or may not see some of these animals if they are resting, but that's part of life. Is pure ilake mein जो भी पशु पक्षी हैं उनके चारे के लिए भी खास प्रबंध किए गए हैं और इस तरीके से इसके डिज़ाइन किया गया है कि बहुत हद तक पशुओं को दिया जाने वाला जो चारा है वो यहीं पर वो उपजाया जाए। और राज्य का, गुजरात राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय भी इसी परिसर में है और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इलाका है और लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो रोड इस तरह की बनाई गई है जंगल सफारी को घूमने के लिए। और ये वो इलाका है जहां पर भारतीय जो पंछी हैं उन्हें रखा गया है। We can see more visuals of the Royal Bengal Tiger, which is one of the great animals of the world and perhaps the largest cat, the big cat in the world, perhaps matching the Manchurian tiger or the Siberian tiger, beg your pardon, yes. So one of the interesting aspects when we look at animals and in nature is that we learn much more about our own habitat, because we have been living in cities too long and we don't realize that we are all part of one ecosystem, one biodiversity, all essentially linked to each other. And we can see here a family of leopards. And this is the mighty rhinoceros. एक तरफ राइनोसरस है तो दूसरी तरफ रॉयल बंगाल टाइगर है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है जिसके संरक्षण के लिए अनेकों प्रयास हो रहे हैं। और भारी भरकम राइनो
It was otherwise wilderness. It was on the banks of the Narmada River. It didn't seem to have this kind of potential. So this has been landscaped and created, and this environment has, as we can see, been very productive in giving us a message of unity with nature. ये जंगल सफारी का वो इलाका है जहां पर भारतीय पंछियों को रखा गया है. ये 7,500 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, 150 मीटर लंबा और 50 मीटर ये चौड़ा है, और इसमें 30 अलग अलग प्रजातियों के 500 पक्षियों को रखा गया है. और उनके भोजन के लिए अगर बात करें तो 30 प्रकार के पौधे, घास भी लगाए गए हैं जो कि इन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं. और ये देखिए, पशु पक्षियों के साथ स्नेह का अपना आनंद है. और इससे पहले भी कई अवसरों पर प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं कि कैसे वो पंछियों से बहुत नज़दीक रहना पसंद करते हैं. और देखिए, अगर आप बहुत सरलता से पंछियों से बात करेंगे, उनके साथ प्यार की भाषा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. और ऐसा लग रहा है कि ये जो तोते हैं वो बहुत पहले से मिले जुले हुए हैं, इस तरीके का उनका व्यवहार. और ये एक अपने आप में बहुत ही मनमोहक नज़ारा, और प्रधानमंत्री पूरा आनंद लेते हुए इस समय. We've seen videos of the Prime Minister when he's working on his fires. Peacocks come up close to him and ask for a feed, which he very graciously offers them. But this is a great favorite for children, to be able to touch and pet the birds. और ये तोते जो हमने देखे, इसमें से एक तो बड़ी आसानी से चला गया, लेकिन दूसरा उसका मन नहीं था जाने का. और बड़ी ही ये अद्भुत और यादगार क्षण सभी को याद रहेंगे. Absolutely. What can be more friendly than friendly parrots? And we know that parrots can talk in human voices. Had we waited a little longer, well, these are beautiful pigeons that are being released on the occasion. Doves, actually, a symbol of peace in the world. And that is the hope, really, that the spirit of unity and universal harmony pervades here and inspires people who come to visit these beautiful sights at Kevadia, tourists that come from all across the country and indeed from all across the world. Jungle safari se ekta ka sandesh aur uske saath shanti ka swar. Salim Ali Pakshi Vigyan evam Prakriti Vigyan Kendra ne yahan sthit do chidiya ghar ko paidal chalkar ghoomne wale sabse bade chidiya ghar ke roop mein manyata di hai. और अभी कुछ देर पहले हमने तोतों का जिक्र किया था, और यहाँ पर एक बार फिर उनके साथ अटखेलिया करते. और जो भी पर्यटक यहाँ पर घूमने आएंगे, इस जंगल सफारी का लुत्फ उठाने आएंगे, वो इन दृश्यों को देखकर ही रोमांचित हो रहे होंगे. और इस समय प्रधानमंत्री पूरा समय दे रहे हैं, और अलग अलग, जैसा कि हमने बताया कि पंछियों के लिए बाड़े बनाए गए हैं, उनको पूरी आज़ादी दी गई है कि वो उस इलाके में उड़ान भर सकें, और उन्हें किसी तरह की बंदिशों में नहीं रखा गया है, जो सबसे अच्छी बात है इस जंगल सफारी की. And we can see that the birds are flying quite openly all over the place, and Prime Minister is interacting in a sense with them. So there is really no barrier between the birds and the tourists.
also a lesson for us that if you approach the animal world with respect, you receive the respect right back, and there isn't that much of a distance between them and us. They understand energies as well as we do, and if they sense kindness in your aura, they will definitely respond in a positive manner and come close to you. Yes, but one needs to see that, you know, the tourists who do enter this place don't take advantage of this kind of a situation as well. I mean, one understands that there is a certain level of maturity with which you have to deal with animals. And you can, there could be some people, because if the fact is that if the birds are so close to you and you can actually touch them, you can actually harm them as well to some extent. And there are people who could do that. I think there are arrangements here to, in a way, give orientation to children in particular when they enter the aviary, that they have to behave in a certain manner. They can touch the birds, but ensure that they don't harm the birds here. निश्चित तौर पर जंगल सफारी में खास तौर पर जो हर्बीवोर्स का इलाका है यहाँ पर इस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं और जो प्रशिक्षित गाइड हैं जो स्वयं सेवक हैं वॉलंटियर्स की भूमिका में वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं लगातार और माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरी उत्कंठा के साथ जिज्ञासा के साथ इस जंगल सफारी का अवलोकन कर रहे हैं नज़दीक जा करके स्वयं अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं और जो पक्षी हैं वो भी कुछ देर पहले हमने देखा कि उनके नज़दीक आकर काफ़ी प्रसन्न महसूस कर रहे हैं और दूर भी नहीं जाना चाह रहे बहुत ही दिलचस्प आकर्षक परिदृश्य है ये जो कि केवड़िया टूरिज्म परिसर में एक नया अध्याय जोड़ रहा है I suppose the birds also know that this is going live on Doordarshan and there are so many cameras here and birds we know love to preen and what better an opportunity than this to preen and to be stars of the show jaisa humne pehle kaha ki jo maansahari pashu hain unke liye jo enclosures banaye gaye hain kaanch ki deewar banayi gayi hai paradarshi deewar hai kafi mazboot hai aur usi tarike se जो पक्षी जो यहाँ पर पक्षी मौजूद हैं उनके लिए एवियरी का निर्माण हुआ है पक्षीशाला जिसे हम कह सकते हैं एक बड़ा डोम है जिसमें अनेकों पक्षियों का वास है कोई पिंजरा नहीं है प्राकृतिक वातावरण है वो उसमें घूम सकते हैं उड़ सकते हैं विचरण कर सकते हैं भांति भांति के तोते यहाँ पर मौजूद हैं रंग बिरंगे तो एक इसमें भारतीय सेक्शन है और एक एग्जोटिक सेक्शन भी है जहाँ पर विदेशों से अलग अलग जगहों से पक्षियों को लाया गया है और उनके प्राकृतिक निवास में उन्हें रखा जा रहा है फूलों से सजाया गया है इस जंगल सफारी को आज उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय समय समय पर अपने सुझाव भी देते रहते हैं अगर कहीं कुछ उनकी गुंजाइश है सुधार की गुंजाइश है तो और उनके सक्षम और कुशल मार्गदर्शन में नेतृत्व में ही ये पूरे परिसर का निर्माण हुआ है इसका मूर्त रूप इसने लिया है और अब विधिवत तौर पर ये पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा और उम्मीद यही है कि बड़ी संख्या में जिस तरीके से यहाँ पर पशु पक्षियों का आगमन हो रहा है अपने प्राकृतिक वातावरण में वो निवास कर रहे हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे और उम्मीद यही है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो भी इस जंगल सफारी की जो गरिमा है उसको बनाए रखेंगे और जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना है उसका यहाँ पर परिलक्षण हमें देखने को मिलेगा मिलाकर के एक बहुत ही उत्साहजनक परिदृश्य है ये दो वर्ष पहले जब यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया गया तब शायद ही ये कल्पना की होगी और लोगों ने कि आने वाले सिर्फ दो वर्षों में यहाँ इतने ऐसे और स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से और जो प्रकृति की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण होंगे वो हमारे सामने दिखाई देंगे
And these are the graceful cranes that we see, the saras. I think we spotted a pelican as well. Beautiful bird. जियोडेसिक डोम 150 मीटर लंबी इंडियन एवरी और जो 50 मीटर चौड़ी और 18 मीटर ऊंची है और amidst the cranes. यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखने की रोचकता आपको यहाँ तक गई है और ज्यादातर पशुओं के लिए जो चारा है वो यहीं पे उपजाए जाने की भी व्यवस्था है। जो आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात करते हैं, न्यू इंडिया के निर्माण की बात करते हैं, तो इस जंगल सफारी के माध्यम से बहुतों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और केवड़िया के आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो इस जंगल सफारी से जुड़े हैं। और जब भी आप जंगल सफारी की सैर पर जाते हैं और धूप थोड़ी कम हो जाती है तो घूमने का जो आनंद है वो और बढ़ जाता है। इस समय केवड़िया के इस जंगल सफारी में भी यही है। धीरे धीरे सूरज मध्यम होता हुआ और प्रधानमंत्री इसके अलग अलग आयामों को नजदीक से देखते हुए। So the Prime Minister has seen the carnivores, then he's gone to the aviaries, and now probably he's heading towards the herbivores, where we are going to see, the deer, the black bucks, different spotted deer, samba. That's my presumption because that looks like the route. जंगल सफारी जहां अब धीरे धीरे दिन ढलने की ओर चल पड़ा है और जैसा हम सब जानते हैं कि दिन ढलने का समय होता है जब पंछी अपने अपने आशियाने को लौटने लगते हैं और यहां जंगल सफारी में तो इनका घर है। We can now see the undulating roads that are going upwards. You were talking about the seven levels that this place has been landscaped in. Ji, 29 meter se 180 meter ke beech mein yahan ye jo saat star hain levels hain to
काफ़ी फ़र्क है 29 मीटर से लेकर 180 मीटर तक। इसको बहुत विशाल विस्तृत क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है, 375 एकड़ का ये इलाका। और सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात जो हर जगह के बारे में सभी नोटिस कर रहे हैं वो ये कि टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत इस्तेमाल, तो आधुनिकता के साथ प्रकृति की, पर्यावरण की, जीव जंतुओं की, उनकी एक एक बारीकी को समझकर और किस तरह से उसको पर्यटकों के लिए, और यहाँ पर अगर जंगल सफारी की बात करें तो जीव जंतुओं के लिए भी वो किस प्रकार से उसका फ़ायदा पहुँच सकता है, उसका बहुत बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। So part of the preservation of zoos and animals is the exchange of animals from different zoos. So that also does take place. And now that there is the jungle safari here in Kevadia, there would be exchange of animals from here with other zoos of the world. And that is the way to improve and protect the species. It is crucial, in fact, for developing and a self-sustaining population of these endangered species so that they can maintain and they can repopulate to some extent within this environment for their breeding. The animals are being looked after by the volunteers and by the experts, where a lot of care is being taken. Take, for example, the deer, the antelope. They all have their names, and they all called by their names, the tiger, the lions, the leopards. So it is that kind of coexistence between the people who work here and the animals who reside here. Maniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi avlokan karte hue ek ek level ka is jungle safari ke, jahan par 12 प्रकार के हिरन हैं, एंटीलोप्स हैं, जेब्राज हैं, और निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ केवड़िया टूरिज्म परिसर स्थित इस जंगल सफारी में की गई हैं। बहुत बड़ा इलाका, बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हुआ है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, हरित क्रांति में योगदान हो रहा है इस क्षेत्र के द्वारा। और 2 साल पहले यकीनन किसने सोचा था कि ऐसा कायाकल्प होगा इस इलाके का, जहाँ पर देश और दुनिया के जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके आकर्षण का ये इलाका केंद्र बनेगा। इंडियन एवियरी में हमने कुछ देर पहले देखा कि बड़ी संख्या में जो पक्षी मौजूद हैं, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक वातावरण में निवास कर रहे हैं। एग्जॉटिक एवियरी है, वहाँ पर भी विदेशों से पक्षियों का आगमन हुआ है। इसके अलावा पेटिंग जोन एक बनाया गया है, जहाँ पर खरगोश हैं, मकाऊ हैं, कोकाटू हैं, पर्शियन कैट्स हैं, और बच्चों के लिए तो अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट जगह है और बहुत ज़रूरी भी है। जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी में जो इकोलॉजी में बैलेंस बनाए रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसकी जानकारी होना शायद उससे भी ज़्यादा अहम है। और यहाँ पर दूसरे जो वन्य अभयारण्य हैं, वहाँ से एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत भी कुछ पशुओं को यहाँ लाया गया है, जैसे जूनागढ़ के सकरबाग चिड़ियाघर से यहाँ पर कुछ बाघ लाए गए हैं, और उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो बड़ौदा के जू से की जाती है। इस तरह के कई योजनाओं पर इस जंगल सफारी में काम किया जा रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ
पशुओं की संख्या भी बढ़ेगी और पर्यटकों के आने के बाद एक अलग ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा। जितनी हरियाली है उससे भी पर्यटक काफ़ी आकर्षित होंगे और जो रास्ते बनाए गए हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं कि अलग अलग ऊंचाई पर है, अगर आप थक जाते हैं तो आप बीच में बैठकर आराम भी कर सकते हैं और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। चूँकि बहुत बड़ा इलाका है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहाँ से हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। बीच बीच में स्वयंसेवक जो गाइड हैं वो भी तैनात किए गए हैं ताकि अगर किसी को कहीं भी कोई असुविधा हो इतने बड़े क्षेत्र में तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये इस तरीके के बैटरी चालित वाहन हैं जिन्हें अलग अलग पशु और पक्षी के रंग रूप में ढाला गया है। एक फील दिलाने की कोशिश की गई है पर्यटकों को जो यहाँ पर आए, और इस समय जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस जंगल सफारी के अलग अलग आयामों को देखते हुए समझते हुए आज सरदार पटेल प्राणी उद्यान को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया। A beautiful spot, a quiet stream, perfect place to just rest a while after that exciting walk or ride through the jungle. This also makes a wonderful place to stop and take a few photographs. A keen interest in the environment, questions are always asked, and suggestions are always given wherever the Honorable Prime Minister feels that there is room for improvement. Most of the trees are natural to this area, but a lot more trees from various parts of the country have been planted here. Keeping in mind the environment that some of the animals need for their habitat. Children watching this program live today must be pestering their parents to plan a holiday to Kevadia to experience and savor the sights and sounds of the Statue of Unity and all the wonderful sites that have been developed here. Beech beech mein mananiya pradhanmantri sujhav bhi dete hain. अभी जब वो वाटरफॉल देख रहे थे, वो इस प्राणी उद्यान में बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो भी मुआयना कर रहे हैं इस जंगल सफारी का। वो भी बहुत नज़दीक से चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और लंबे समय तक इसे इसी स्वरूप में बनाए रखने के लिए या इससे भी बेहतर स्वरूप में ले जाने के लिए, चूंकि जब पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे तब इसको इस तरीके से मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती होगी, उसके लिए एक बेहतर प्रबंधन की ज़रूरत है और इससे बढ़िया अवसर नहीं मिल सकता है जब आप शुरुआत में ही चीज़ों को देखें, समझें, परखें और उसके बाद उसको और बेहतर करने के लिए प्रयास करें। This area has been so beautifully designed and landscaped that I'm sure there's very little that needs to be changed. And that itself is an art, to landscape a place which and to fit it in with the theme. We can see the water also flowing.
fit it in with the theme of unity, which is visible and all a curious around. Denizen of the jungle. Yes, indeed. Trying to see what's going on. But all the animals seem to be quite at ease. They're not afraid of anything, they're quite happy in this environment. Especially the birds. Yeah, exactly. To create this kind of trust, it needs a lot of effort where the caretakers are concerned that none of these animals seem to be afraid of a closeness to human beings. और इस तरह की जंगल सफारी हो या कोई प्राणी उद्यान यानी जू, जो परस्पर विश्वास की बात है उसमें मनुष्य की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो काम मनुष्य को ही करना है. और यहाँ ये चीज़ साफ तौर पर देखी जा सकती है, चाहे वो पशु हो या पक्षी, एक विश्वास, एक भरोसा कि यहाँ वो सुरक्षित हैं, यहाँ ये जगह उनके लिए एक बहुत ही बेहतर जगह है. और वाकई जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है वो वाकई अपने आप में अद्भुत है. जैसा हमने पहले भी कहा था कि यहाँ सब कुछ है, नदी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है. और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ झरना भी है. So and the symbols of peace. Yes, actually the success of any of these kind of of a zoo like this or any safari like this is that the animals are at, you know, in an environment where they are looking active, they are looking vigorous, they don't look like they are troubled in any way, and this is a sign that it is working. It is actually something that is feasible and self-sustaining. When we look at the way the animals look, so, you know, they it's been designed in a way that they are vigorous and active. Because if they are otherwise, in any other way, then they are unhappy, and then, you know, it tends to move into a regressive atmosphere. बहुत से पशु पक्षी जिनको जिनमें से कुछ को तो आमतौर पर लोग पहचान लेते हैं. And a little friend following the golf cart, hoping to make introductions. एक हिरन लगातार गोल्फ कार्ट के पीछे पीछे. ये अद्भुत दृश्य हैं यहाँ के जंगल सफारी के. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से कई लोग कुछ पशु पक्षियों को तो पहचान लेते हैं, तोता, कबूतर वगैरह, लेकिन यहाँ हिरन भी कई तरह के, एंटीलोप श्रेणी के, प्रजाति के, और सारस, बगुले बहुत हैं. उनमें से कईयों के नाम तो जब लोग आएंगे तो बाहर जो पट्टी लगी होती है उसको पढ़कर ही जान पाएंगे कि ये कौन सा पक्षी है और ये कहाँ का है, कहाँ पाया जाता है. क्योंकि इस जंगल सफारी में अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों से भी यहाँ पशु पक्षियों को लाया गया है. और एक अपने आप में एक ऐसा अनुभव ये बनने. And a beautiful duck. So the number of exotic birds, we've seen, in fact, there are cockatoos, pheasants, there is also a black swan, that there's a grey parrot. That perhaps was the black swan. Could well have been, yes. What happens is when you see a lot of these animals in pictures, and when you see them like this, it's sometimes difficult to distinguish one from the other. Lessons for most of us who have come here, that we need to spend more time, increase our knowledge, and enjoy this interaction with animals. आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला और ढलती हुई सूरज की रोशनी मध्यम होती हुई, थोड़ी मुलायम होती हुई. कलकालिया झरना, जिसको प्रधानमंत्री ने बहुत नज़दीक से निहारा, किंगफिशर वाटरफॉल के नाम से भी
उसे यहाँ पर जंगल सफारी में जाना जाता है। और जो भी पशु पक्षी हैं यहाँ पर, वो बहुत ही आराम से अपने पूरे प्राकृतिक आवास में आनंद लेते हुए, और ऐसा लग रहा है कि एकता की प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अभिभावक के रूप में इन सभी चीज़ों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और पशुओं में भी एक कौतूहल सा है, वो ये काफिला देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आज उनके जंगल सफारी में कुछ नए मेहमान आए हैं, तो नए मेहमानों के स्वागत के लिए कहें या उनसे जुड़ने के लिए कहें, एक अजीब सा उनके अंदर कौतूहल है। वो देखने को भी मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे पीछे काफ़ी देर से एक हिरन जिज्ञासावश पीछे पीछे चहलकदमी करते हुए। The deer hasn't lost hope because these are visitors to his home, and he's trying to ensure that they are well looked after and they are welcomed to this wonderful safari where he lives. जगह जगह पर बस स्टॉप की भी व्यवस्था की गई है कि अगर आप थक गए हैं या फिर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आप वहां रहें। और जैसा कि हमने कहा कि पशुओं में भी एक कौतूहल सा है, माननीय प्रधानमंत्री का काफिला जंगल सफारी में आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, 375 एकड़ में फैला ये जंगल सफारी, और एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में समय लगता है, और बहुत ही बेहतर ढंग से इसे डिज़ाइन किया गया है। हमने कई बार कहा कि अलग अलग ऊंचाइयों पर है और इसको इसी ढंग से बनाया गया है कि आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएं और आपको ज़्यादा एहसास भी ना हो, और आपको घूमने का, चीज़ों को देखने का, समझने का, जानकारियां इकट्ठा करने का पूरा आनंद मिले। सो द जंगल सफारी व्हेन इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड हैज केप्ट द नेचुरल अंड्यूलेशंस, द नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। वी आर आफ्टर ऑल इन द मिड्स ऑफ द हिल्स ऑफ द विंध्याचल एंड सतपुरा रेंजेस। And these are the beautiful, colorful, exotic birds. Cockatoos with hues of the rainbow. मैको, और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है पक्षी को। ऐसा लग रहा है कि बहुत जान पहचान है। अगर हम अपने घर में किसी पक्षी को रखते हैं तो एक दोस्ती सी हो जाती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आने पर भी बहुत सहज, सरल और एक बहुत ही मनमोहक दृश्य इस समय। दिस वन लुक्स लाइक अ शाय चाइल्ड हु नीड्स टू बी gently nudged towards a visitor, and once they make friends then a conversation is definitely going to ensue. बड़ा दिलचस्प दृश्य है कि कुछ जो मेजबान हैं वो नए मेहमान का स्वागत कर रहे हैं, और कुछ भोजन के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा पृष्ठभूमि में, काफी बड़ी संख्या में जो निवासी हैं, और अब मेजबान का बाकायदा स्वागत किया जा रहा है उन्हें भोज्य पदार्थ देकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। बहुत ही आकर्षक दृश्य है, बहुत ही आल्सो कीप इन माइंड दैट यादगार दृश्य है। इज अ बर्ड दैट इज सो ब्यूटीफुल विद सच लवली ह्यूज, सो इट इज गोइंग टू शो अ बिट ऑफ द डीवा टेम्परमेंट।
बड़ी संख्या में हिरण यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कुछ राजस्थान से पहुँचे हैं, कुछ अलग अलग जगहों से आए हैं। 12 प्रकार के हिरण हैं, एंटीलोप हैं, जेब्रा हैं, बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत नज़ारा। और अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर आप जब ये दृश्य देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उत्कंठा, कौतूहल, जिज्ञासा आपके मन में विचरण कर रही होगी कि क्यों ना जल्दी से जल्दी ऐसी जगह पर जाया जाए जहाँ पर इतने बेहतरीन माहौल में पक्षियों को रखा गया है, पशुओं को रखा गया है, और हम उन्हें कितने करीब से उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो प्राणी विज्ञान के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए, या फिर जो ऑर्निथोलॉजी में, पक्षी विज्ञान में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये माहौल तैयार किया गया है। सरदार सरोवर बांध पृष्ठभूमि में दृष्टिगोचर होता हुआ, जिसके एक तरफ ...125 मीटर जिसकी लंबाई है, 35 मीटर चौड़ाई, और बड़ी संख्या में जहां पर पक्षी निवास कर रहे हैं, उल्लसित हैं, प्रफुल्लित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी पूरी जिज्ञासा के साथ, उत्सुकता के साथ अवलोकन कर रहे हैं इस प्राणी उद्यान का। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ लगातार मौजूद इस प्राणी उद्यान में। Hidden in the foliage is the Carolina duck, an exotic bird not often seen in India. Okay, man. When you go to the various parts of the Sardar Sarovar Dam complex, you find that part to be really the best. So when we saw the children's nutrition park, it was so exciting and so attractive that if children were watching it, I'm sure they wanted to go there. Now that they're looking at the zoo, this seems to be the most attractive. So in that sense, all the features that have been created here seem to have the most attraction. जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ये चुनना बेहद मुश्किल होने वाला है कि कौन सा उनका पसंदीदा स्थान होने वाला है और किस जगह पर वो बहुत ज़्यादा देर तक समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि हर एक का अपना आकर्षण है, हर एक की अपनी रोचकता है। और Stationery shop where everything is so attractive and colorful that you want a bit of everything. और प्रधानमंत्री की सोच भी यही थी। जब एकता की प्रतिमा का निर्माण हुआ तभी उन्होंने कहा था कि जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए वो केवड़िया में कम से कम 2-3 दिन तक रहें, और पर्यटकों को बांधे रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि आसपास के इलाके में कुछ ऐसी चीज़ों का विकास किया जा सके जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करे। और उसी सोच के तहत यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है, जैसा कि हमने पहले दिन के पहले सत्र में देखा कि आरोग्य वन को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया, फिर एकता मॉल, फिर पोषण पार्क, और अब ये जंगल सफारी।
एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि एक विचार अपने आप में बहुत कमाल होता है, लेकिन उस विचार को साकार करना और फिर उसके बाद उस विचार से और विचारों को जोड़ देना और उनको भी साकार करना, ये वाकई बड़ा अद्भुत और बड़ा कठिन सा लगने वाला काम होता है। लेकिन हमने ये सब देखा है और देख रहे हैं, आज इतनी परियोजनाओं का एक एक करके उद्घाटन किया जा रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दौर से दुनिया गुजर रही है उसमें ऐसा सोचना और ऐसा कर लेना, ये अपने आप में उल्लेखनीय है। एंड व्हाट इज इवन मोर अमेजिंग इज दैट दिस एंटायर प्लेस हैज बीन डेवलप्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो टाइम फैक्टर्स टू मीट दीज काइंड ऑफ डेडलाइंस इज रियली अमेजिंग। इसके लिए लगातार सोच और मॉनिटरिंग, और उसके साथ साथ कहीं भी जिसे कहते हैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप टेक्नोलॉजी के साथ जो आपको हैरान करती है जो चीज़ कि टेक्नोलॉजी किस तरह से लोगों की जिंदगियां बदल सकती है या उनमें असर ला सकती है, वो धीरे धीरे हमारे आसपास अब दिखने लगा है। हम देख सकते हैं उसका असर किसी भी नई चीज़ के निर्माण में या किसी भी सुविधा में या किसी भी जानकारी को पाने में। So among the birds that we've been seeing in these aviaries, we've seen the red jungle fowl, the partridge, the pelican, the ibis, we've seen various kinds of parrots, and in the exotic aviary we've seen the macaw, the cockatoo, we've seen pheasants, there was also a black swan, grey parrot, cape-crowned crane, among other birds which are colorful, and these birds come from different parts of the world, South America, Australia, Southeast Asia, Africa, and other parts of the globe. पक्षियों की अटखेलियाँ, और इन अटखेलियों को देखना, नज़दीक से देखना बहुत रोमांचित करता है। प्रधानमंत्री इस समय सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जो जंगल सफारी के नाम से लोकप्रिय है, उसमें भ्रमण कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध के नज़दीक ये प्राणी उद्यान विहंगम नज़ारा, 375 एकड़ क्षेत्र में फैला ये जंगल सफारी, कई विविधताओं, कई अनूठेपन को समेटे हुए। देशी विदेशी पशु पक्षी रोचकता को समेटे, जिज्ञासा बढ़ाने वाले, आने वाले समय में जो भी केवड़िया पर्यटक आएंगे उनके लिए ये बहुत ही खास स्थान बनने वाला है। And we can see also that the safari route has been designed in such a way that the visitors can see animal activities, they can spot the birds, and in a way they can engage with them and feel a part of their environment. And that's precisely what we did see as the Prime Minister and the other groups, along with the Prime Minister, were traveling around in their golf carts, which were electric. And did not disturb the animals in any way. We can see this is the black swan. We can only see the head of it. काम हो, मिसाल का काम हो, घंटा का काम हो, छोड़ दे।
Cranes have always been a part of India's mythology, and it plays a very important part in the culture of Japan. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अलग अलग एनक्लोजर्स का जायजा लेते हुए, अवलोकन करते हुए, पूरी उत्कंठा के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ और साथ ही बहुत नज़दीक से अनुभव करते हुए, जो परिकल्पना जो उन्होंने प्रण किया होगा, निश्चय किया होगा अपने मन में 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले, वो साकार हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी खासी दिलचस्पी ली थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ केवड़िया परिसर में अब जबकि तमाम सुविधाओं का निर्माण हो चुका है, वो सभी जो परिकल्पनाएं हैं मूर्त रूप ले रही हैं। इंडियन एवियरी, जियोडेसिक डोम, अबोर्ड ऑफ कॉर्निवोर्स और जिराफ, जो कि अपनी खास अपीयरेंस की, जिनका प्रादुर्भाव थोड़ा बहुत होता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं अलग अलग एनक्लोजर्स का, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, शोधार्थियों के लिए ये जगह बहुत ही मुफीद, बहुत ही माकूल कही जा सकती है। और कुछ देर पहले जिक्र हुआ था कुछ घायल पक्षियों का, उनके उपचार की भी समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है और एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल उनके लिए बनाया जा रहा है, पशु पक्षियों के लिए मूर्त रूप ले रहा है, वो जो होना स्वाभाविक भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर वंचर निवास कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। ये प्राणी उद्यान का अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेक्शन है, जहाँ पर ऑरिक्स हैं, ज़ीब्रा हैं, जिराफ हैं, ऑस्ट्रिच हैं, और उन्हें वहाँ से लाना और उन्हें वहाँ के अनुसार प्राकृतिक वातावरण मुहैया कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य, लेकिन चुनौती को स्वीकारते हुए और सहज वातावरण मुहैया कराने में बहुत हद तक सफल होते हुए। As we go through the various sections of the jungle safari, one is tempted to linger a little longer with the antelope, the herons, the crane. Which are flightless birds, but they can run
up to speeds of 70 kilometers per hour. So they take flight on foot rather than in the air, heading towards the exit of the jungle safari. And some playfulness going on here between the leopard cubs, budgerigars, colorful, attractive. The black swans, so graceful. समय के साथ और रोशनी के साथ दृश्य और उनका प्रभाव बदलता हुआ ये पूरा इलाका नर्मदा के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसके आसपास ये जंगल सफारी जहां से अब प्रस्थान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री अगले गंतव्य की ओर